छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर को विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं हरियाणा में। मैं हूं कनिष्क, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे लोगों से कि जो दो मेन पार्टी हैं, टक्कर की पार्टी हैं, उन दोनों का मैनिफेस्टो जो है वो बाहर आ चुका है और कई वादे जो हैं इन दोनों पार्टियों ने करे हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से कि किनके वादे जो हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे लगे। आपका नाम? मेरा अशोक कुमार है जी। अशोक जी, दोनों पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं वो निकल चुके हैं, और कांग्रेस ने जहाँ एक तरफ वादा किया है कि जो भी कर्ज हैं किसानों के वो माफ़ करे जाएंगे, दूसरी तरफ बीजेपी ने वादा करा है कि उसे कम किया जाएगा। तो ये जो मैनिफेस्टो हैं, ये जो पार्टियां पहले निकालती हैं, तो आपको लगता है कि ये वादे जो हैं वो पूरे करती हैं? वादों के ऊपर तो ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस थी, वहाँ भी जो वादा किया था उन्हें किया तो ज़रूर है कि पूरा नहीं किया, कुछ किया है। ठीक है जी, आगे इनका क्या है भी, ये क्या करते हैं नहीं करते हैं दोनों ही का, वो उसके बारे में देखो क्या बनने के बाद इनका क्या रहेगा। ठीक है जी, पंचकुला में देखा जाए तो कांग्रेस से चंद्रमोहन जी और बीजेपी से ज्ञानचंद गुप्ता, इन दोनों की बहुत ही टक्कर की मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपके हिसाब से किसकी जो पलड़ा है वो भारी है? मैं तो देखो न्यूट्रल आदमी हूँ, दोनों आदमी का मैं सुन रहा हूँ कि चंद्रमोहन जी का भी अच्छा चल रहा है और ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी, ये है जी, दोनों के बारे में सुना हुआ है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में किसका जोर, किस पार्टी का जोर जो है वो सबसे ज़्यादा लग रहा है? 75 पार का नारा भी लगाया बीजेपी ने, तो क्या वो पार कर पाएगी इस बार? मैं वो ऐसा है कि जो उत्तरी हरियाणा था पहले, वहाँ उल्टफेर होने का कुछ आसार लग रहा है, और जो परली तरफ है वहाँ कुछ दूसरा सुना जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सुनने का। थैंक यू जी। कुछ नहीं करता, ये बच्चे लोगों के बच्चे हैं, जितने पढ़ रहे भी या पढ़े पढ़े फिर लग रहे बेचारे हैं, वह अपना गाड़ों में धक्के खाते फिर रहे, उनकी कोई नौकरी नहीं, लेना नहीं देना नहीं। और जो ये भूखे जरे गरीब हैं, वह भूखे हैं, उनका ना वो बधा रखा है, ना इतनी महंगाई कर रखी बहुत ज़्यादा, इस महंगाई का कुछ कोई अनुमान ही नहीं है। तो ये जो ये सब चीज़ें हैं, पिछले साल बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दी थी कि हम कम करेंगे, पर हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं होया। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या विकास होना चाहिए अगर कोई अगली, अगर जो ये मतलब कम कर दे अत गरीबों का सुधार हो जाए, जो आप लोगों के बच्चे हैं इतने पढ़े लिखे हैं, वह बेचारे कोई फिरन लग रहे, अत उन्हें रोजगार मिल जाए, अत बहुत अच्छी बात है, हम तो यह चाहते हैं भाई। आपका नाम? विकास। विकास जी, अम्बाला में पिछले 5 साल से बीजेपी है। हाँ जी, उनका विकास कार्य आपको कैसा लगा? नहीं, बीजेपी का विकास कार्य बहुत अच्छा रहा है उन्होंने, और जैसे कि एक अम्बाला के अंडगंदा पहले का सिविल हॉस्पिटल नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छा सिविल हॉस्पिटल बनाया, फैसिलिटीज हर किस्म की मिल रही है, और जितने भी सड़कें बनी हैं, गलियां बनी हैं, हर फैसिलिटीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। और दूसरी बात तो है कि हर बंदे की बात सुनी जाती है। तो ये दोनों पार्टीज़ ने अभी, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो कल निकाला है, और कांग्रेस ने 2 दिन पहले निकाला था, दोनों के मैनिफेस्टो में से आपको अच्छा किसका लगा? मतलब वादे जो हैं वो दोनों करती हैं, और दोनों ही सरकारों के रूल जो हैं आपने देखे ही होंगे, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है अपने वादे पूरे करने में सफल है? देखो सर, ये तो भी कहानी से वादे तो पूरे किए हैं, जो करंट सरकार उसने वादे अपने पूरे किए हैं, जो पहले सरकार थे उसने वादे अपने पूरे किए हैं, बाकी अब देखो ये पता लगेगा कि ये तो चुनाव में पता लगेगा किसने क्या किया क्या नहीं किया। तो आपको किस पार्टी का भी जोर लग रहा है? बीजेपी ने नारा भी लगाया है कि अब की बार 75 पार, तो वो 75 पार कर पाएगी? देखो सर, 75 पार करेगी, हो सकता कर भी जाए, बट डिपेंड करता है कि ये तो क्या कौन सी पार्टी क्या फैसिलिटीज देगी क्या नहीं देगी। जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम ये करेंगे, बीजेपी कहते हैं हम ये करेंगे, बाकी डिपेंड करता है। तो 21 तारीख को इलेक्शन है, तो 23 को पता लगाना है क्या 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 नहीं किया। बाकी होप तो है कि चलो जो चल रहा है अच्छा वो चले, आगे आगे विकास और होता जाए। आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार जी, दो पार्टियां जो हैं बहुत ज़्यादा टक्कर में बोली जा रही हैं यहाँ पे, एक कांग्रेस दूसरी बीजेपी, आपको क्या लगता है किसका जोर इस समय ज़्यादा है? सर, बीजेपी का यही जोर। तो ये बीजेपी ने ऐसे कुछ कार्य करे होंगे जो आपको पसंद आए, तो वो कार्य हमें बताएं। सर, बीजेपी ने हमारे को काम पे लगा दिया जी, ओला उबर चला दिया है, जोमेटो जैसी कंपनी आ गई है यहाँ पर, जो लड़के बेरोजगार थे अब सारे रोजगार पे लग चुके हैं, जो मतलब खाली घूमते थे आज अच्छा काम धंधों पे लग गए हैं, अब किसी के पास नौकरी करने की जरूरत नहीं, अपना बिजनेस हो गया सबके पास, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं। तो इस बार बीजेपी ने नारा भी लगाया कि वोटिंग में हम 75 पार कर जाएंगे, तो क्या लगता है आपको बीजेपी इस बार 75 पार करेगी या नहीं? जरूर करेगी, जरूर करेगी। हाँ जी, हाँ जी, 75 पार कर जाएगी। और अगले 5 साल भी बीजेपी की सरकार, अगले 15 साल भी और जी बीजेपी रहेगी जी। आपका नाम? भुवन।
गोविंद जी, रोजगार जो है इस पे दोनों पार्टियों ने बात करी आने वाले इलेक्शन पे, कि एक ने तो बोला है कि हम रोजगार देंगे, गरीबी मिटाएंगे, दूसरी ने भी सेम ही वादे करे हैं, तो ये दोनों पार्टियां जो हैं यहाँ पे उनका जो सत्ता है वो रह चुका है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अच्छा पार्टी? देखो जी, जो भी होगा वो अच्छी सरकार आनी चाहिए और गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए। सही बात है, गरीब बहुत परेशान है, दुखी हैं लोग जो है। तो अब रेडियो हम लगाते हैं, इधर पे काम करते हैं, हमारे पास भी रोजगार नहीं है। अब दो पैसे बढ़ने चाहिए लोगों के और रोजगार में तरक्की होनी चाहिए, ये गरीब नहीं भटकना चाहिए कहीं भी, और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने वाला बंदा होना चाहिए, और जो भी है तो देश अपनी तरक्की पे तरक्की कराना चाहिए। देश को ये नहीं कि गरीबों को हटाओ और गरीबों को और सहारा दो, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबों का सहारा दे। तो आप और यहाँ पे भी ऐसी सरकार चाहिए, तो इस ऐसी सरकार मतलब आप किससे बोल रहे हो कि कई सरकारें हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है? जो हम तो कहें जो अच्छे से अच्छा बंदा हो उसको हमें वोट देना चाहिए, जो अच्छे से अच्छी सोच वाला बंदा हो। आपके नजर में कौन है? हाँ जी, हमारे हिसाब से तो अभी तो मोदी जी से, तो हम तो मोदी जी को जानते हैं वैसे अच्छी तरह, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जैसे भी है उन्होंने संभाल रखा, तो फिर उसके बाद में जो है तो अब जो आने वाला है, तो और को तो हम किसी को नहीं जानते। अब जो भी है, चलो कहते हैं लोग अच्छे काम करते हैं यहाँ से, चंद्रमोहन ने भी, हमने उनके बारे में भी आप सुना था और पीछे भी सुनाई है, तो हमें शायद चंद्रमोहन को ही शायद। तो अभी आपने जैसे मोदी जी कहा वो हैं बीजेपी के, वहाँ से ज्ञानचंद गुप्ता पिछले 5 साल से यहाँ पे हैं, तो उनके कौन से काम है जो आपको पसंद आए हैं अभी? सर जी, हम उनसे तो ना मिले हैं ना कुछ ऐसे काम कराया हमने, उनके बारे में तो वहाँ कुछ कह नहीं सकते, जो भी करा होगा उनने सही करा होगा, पता नहीं, अब इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानने। थैंक यू। तो ये थे लोगों के कुछ व्यूज़ जो कि वो सोचते हैं दोनों पार्टियों के बारे में, जो कि टक्कर में हैं, बाकी पार्टियां भी हैं पंचकुला में, तो देखने वाली बात होगी कि 21 तारीख को इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, उसमें कौन सी पार्टी बाजी मारती है। कैमरामैन मंदीप गौतम के साथ मैं कनिष्क, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।